सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और पे वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग सिंघम 3 मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही लंबे समय के बाद अजय देवगन की एक फिल्म आ रही है, जिस फिल्म का नाम होने वाला है सिंघम 3। और यह मूवी किस लेवल की होने वाली वो तो मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस मूवी के डायरेक्टर ही रोहित शेट्टी है, मतलब यह मूवी बहुत ही ज्यादा हाई बजट की होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस मूवी का बजट लगभग 600 करोड़ रुपए रखा गया है। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि ये रोहित शेट्टी की फिल्म है। इस फिल्म में कार पर बहुत ज्यादा उड़ने वाली है। फिल्म में आपको अजय देवगन के अलावा दीपिका पादुकोण और अक्षय कुमार भी दिखने वाले हैं। यह मूवी आपको 2026 के दिवाली में देखने को मिलने वाली है। इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। अजय देवगन ने इस फिल्म को करने के लिए पूरे 60 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करी है। इस मूवी में आपको बहुत ही बड़े बड़े इंडियन सिनेमा के कैरेक्टर दिखने वाले हैं। मूवी का इंतजार बहुत ही समय से चल रहा है। इसका पोस्टर भी बहुत ही पहले रिलीज कर दिया गया था एंड इसकी ऑफिशियल डेट भी अब रिलीज कर दी गई है। और यही थी सिंघम 3 मूवी के बारे में एक छोटी सी मूवी अपडेट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।